राज्य सरकार लोहांडीगुड़ा के किसानों को वापस करेगी टाटा के लिए अधिग्रहित जमीन, राज्य मंत्रिमंडल ने लिया फैसला। ग्यारह जिलों के पुलिस अधीक्षकों का तबादला, 16 आईपीएस अफसरों की जिम्मेदारी बदली गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कहा किसी और को दी जाए जिम्मेदारी। और प्रदेश भर के सरकारी दफ्तरों में आज मनाया जा रहा है सुशासन दिवस, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बोले हर भूमिका में सर्वमान्य नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य मंत्री परिषद ने बस्तर जिले के लोहांडीगुड़ा में 10 साल पहले अधिग्रहित जमीन को किसानों को वापस देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में भूमि वापसी के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दे दी गई। 2008 में ये जमीन टाटा इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए अधिग्रहित की गई थी, लेकिन वहां उद्योग की स्थापना नहीं हो पाई। 2016 में टाटा उद्योग के साथ राज्य सरकार का एमओयू निरस्त होने के बाद किसान अपनी जमीन वापस पाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। फैसले की जानकारी देते हुए मंत्री रविन्द्र चौबे और मोहम्मद अकबर ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया। मंत्रियों ने बताया कि 10 गांव के 1,707 किसानों को उनकी लगभग 1,784 हेक्टेयर भूमि वापस की जाएगी। मुख्य सचिव को एक महीने के अंदर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। मंत्रिपरिषद के इस फैसले के बाद बस्तर जिले की लोहांडीगुड़ा तहसील के छिंदगांव, कुम्हली, धुरागांव, बेलियापाल, बडांजी, दाबपाल, बड़े परोदा, बेलर और सिरिसगुड़ा और तोकापाल तहसील के टाकरागुड़ा गांव के किसानों की निजी जमीन की वापसी का रास्ता खुल गया है। राज्य सरकार ने देर रात पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। गृह विभाग के एक आदेश से 11 जिलों के पुलिस अधीक्षकों समेत भारतीय पुलिस सेवा के 16 और राज्य पुलिस सेवा के एक अफसर का तबादला कर दिया गया है। राजधानी रायपुर में पुलिस अधीक्षक रहे अमरेश कुमार मिश्रा को पुलिस मुख्यालय में AIG गुप्तवार्ता की जिम्मेदारी मिली है। उनकी जगह नीथू कमल को रायपुर जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है। नीथू अभी जांजगीर चांपा जिले की SP थी। जांजगीर चांपा में राजेंद्र नारायण दास को SP बनाकर भेजा जा रहा है। दुर्ग जिले में डॉक्टर संजीव शुक्ला की जगह प्रखर पांडे नए SP होंगे। बेमेतरा में हेतराम मनहर को हटाकर प्रशांत कुमार ठाकुर को ये जिम्मेदारी दी गई है। बिलासपुर में शेख आरिफ हुसैन की जगह अभिषेक मीणा को, कोरबा में मयंक श्रीवास्तव की जगह जितेंद्र सिंह मीणा को और रायगढ़ में दीपक कुमार झा की जगह राजेश कुमार अग्रवाल को SP बनाया गया है। सुकमा जिले में अभिषेक मीणा का तबादला कर जितेंद्र शुक्ला को लाया गया है। नारायणपुर में जितेंद्र शुक्ला की जगह इंदिरा कल्याण इलेसेला और जशपुर में प्रशांत कुमार ठाकुर की जगह शंकर लाल बघेल को जिला पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय में AIG सुरक्षा रहे सुशील डेविड को CM सुरक्षा का SP बना दिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ने की इच्छा जताई है। कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं को बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को अपनी इच्छा जता दी है। अध्यक्ष से आग्रह किया है कि चूंकि मुझे आपने सत्ता चलाने की जिम्मेदारी भी सौंप दी है तो संगठन की जिम्मेदारी किसी अन्य साथी को दें ताकि संगठन के काम भी बदस्तूर चलता रहे और जैसा निर्देश हाई कमान का होगा उसका हम पालन करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उन्होंने कहा कि ये फैसला सभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद लिया गया है। वरिष्ठ नेताओं से मिलकर चर्चा करके मंत्रिमंडल का गठन किया गया है और इसमें जहां क्षेत्रीयता का भी ध्यान रखा गया है वहीं सामाजिक
संतुलन का भी ध्यान रखा गया है। सभी को समायोजित करना था, सभी को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास इसमें हुआ है, तो इसलिए यदि क्षेत्रीय थोड़ा सा असंतुलन है तो सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए उनको स्थान दिया गया है। राज्य मंत्रिमंडल में मंगलवार को 9 नए मंत्री शामिल किए गए थे। राज्य सरकार आज सुशासन दिवस मना रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर हर साल ये आयोजन होता है। 25 दिसंबर को सार्वजनिक अवकाश की वजह से सरकार ये आयोजन आज कर रही है। विभिन्न जिलों में उत्कृष्ट प्रशासनिक कामों की प्रदर्शनी, सुशासन मेले और विद्यार्थियों के लिए निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के जन्मदिन पर कल ही सुशासन दिवस मनाया था। वाजपेयी के प्रदेश कार्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। डॉ. सिंह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी हर भूमिका में भारतीय राजनीति के सर्वमान्य नेता थे। सुशासन दिवस अटल जी के जन्मदिन पे हमने मनाया और सबसे महत्वपूर्ण विषय अटल जी ने एक नए राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का 2000 में निर्माण किया और इस देश में गुड गवर्नेंस कैसे हो सकता है अपने शासनकाल में उसको उन्होंने दिखाया। देश की बड़ी योजनाएं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, नेशनल हाईवे का अपग्रेडेशन के लिए जो कॉरिडोर का निर्माण, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का निर्माण किया, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण किया, देश के अंदर खाद्यान्न सुरक्षा के लिए पहली योजना उन्होंने लागू की, एक प्रकार से अटल जी ने गुड गवर्नेंस की उस दिशा को ले जाने का काम किया और आज निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है, देश में एक सुशासन और एक अच्छे शासन। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि बीते 50-60 वर्षों के इतिहास में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो लगातार 40 वर्षों तक राजनीति में समान रूप से लोकप्रिय रहा हो। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि स्कूल बच्चों के प्रवेश के लिए आधार संख्या को अनिवार्य शर्त नहीं बना सकते। प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजय भूषण पांडे ने कल नई दिल्ली में कहा कि एडमिशन के लिए आधार कार्ड की मांग करना कानूनी प्रावधानों के अनुरूप नहीं है और ये उच्चतम न्यायालय के हाल के आदेश के भी खिलाफ होगा। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण को खबर मिली है कि कुछ स्कूल एडमिशन के लिए आधार कार्ड की मांग कर रहे हैं। प्राधिकरण ने स्कूलों से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि आधार कार्ड न होने के कारण किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित न किया जाए। सितंबर में उच्चतम न्यायालय ने आधार की संवैधानिक वैधता बरकरार रखते हुए साफ किया था कि आधार संख्या बैंक खातों, मोबाइल कनेक्शन या स्कूल में एडमिशन के लिए अनिवार्य नहीं है। न्यायालय ने कहा कि आयकर रिटर्न भरने, पैन कार्ड और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य बना रहेगा। विजया बैंक और देना बैंक के बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रस्तावित विलय के खिलाफ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आज हड़ताल रही। इसकी वजह से बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने किया है। इस संगठन में अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ और अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ सहित कुल 9 संगठन शामिल हैं। एक सप्ताह के अंदर इसी मसले पर बैंक कर्मियों की ये दूसरी हड़ताल है। बीते शुक्रवार को भी बैंक अधिकारी संघ ने बैंकों के विलय के खिलाफ एक दिन की हड़ताल की थी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निशुल्क इलाज उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई सरकार की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत महासमुंद जिले के हजारों परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। जिले में इस योजना की शुरुआत 16 सितंबर 2018 से हुई है। इन 2.5 महीनों में ही जिले के करीब 2000 मरीजों ने इसका फायदा लिया है। ये योजना महासमुंद के 29 शासकीय अस्पतालों, 10 निजी अस्पतालों और 4 दंत चिकित्सालयों में संचालित है, जहां 5 लाख रुपए तक का इलाज निशुल्क किया जाता है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को इससे काफी राहत मिली है। योजना का लाभ ले चुके लोगों का कहना है कि आयुष्मान भारत योजना की वजह से उनका बेहतर इलाज हो पाया है। कि भाई हम ड्राइवर हैं, हमारे पास इतनी कमाई नहीं है कि हम बाहर में सरकारी में प्राइवेट में हम करा सकें। डेली कमाने खाने वाले आदमी हैं,
इतनी हमारे पास इनकम है नहीं कि हम प्राइवेट में करा सकें। सरकार ने ये हमारे लिए जनधन योजना वाली निकाले हैं जो कार्ड, जिससे हमें इसे सरकारी में हमारे फ्री में इलाज हो रहा है। ये शासन की बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छी योजना है। जितने भी मतलब निर्धन या गरीब लोग हैं उस इस योजना से उसको ना बहुत अच्छा मतलब लाभ मिल रहा है। अभी मेरी बहन का डिलीवरी करवाया हूँ मैं, इसी योजना के अंतर्गत करवाया हूँ। उनका भी एक आयुष्मान कार्ड बना हुआ है जिसकी मतलब जिसके तहत उसका इलाज हुआ है, वो भी फ्री में हुआ, निःशुल्क। इस योजना तो अच्छा निकाला है गरीब लोगों के लिए। इसमें मेरा पत्नी का डिलीवरी कराया हूँ नर्सिंग होम में, फ्री में इलाज हुआ है। सरकार भी आयुष्मान भारत योजना को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए जमीनी स्तर की कार्य योजना पर काम कर रही है। महासमुंद जिला अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश परदल ने बताया कि जिले में अभी तक 2000 लोग इस योजना का लाभ ले चुके हैं। अभी हमारे यहाँ 43 सेंटरों में जिला महासमुंद में ये योजना की का लाभ दिया जा रहा है, जिसमें से 10 प्राइवेट नर्सिंग होम है और 4 डेंटल यूनिट्स हैं और 29 गवर्नमेंट सेक्टर के अस्पताल हैं। तो इस प्रकार से 43 अस्पतालों में ये योजना लागू है। अभी तक इसमें महासमुंद जिले में 1200 मरीजों को इसका लाभ मिल चुका है और 800 मरीजों को जिले के बाहर के अस्पतालों में इसका लाभ मिल चुका है। इस प्रकार कुल लगभग 2000 मरीजों को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिला है। ये योजना 16 सितंबर से लागू हुई है और ये हमारे जिले में सुचारू रूप से चल रही है। आयुष्मान भारत योजना के तहत कैंसर सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, बाईपास सर्जरी और न्यूरो सर्जरी जैसी सुविधाएं भी निःशुल्क दी जाती हैं। प्रदेश भर में मंगलवार को क्रिसमस का त्यौहार धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव की खुशी में गिरजाघरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया था, वहीं आकर्षक झांकियां भी सजाई गई थी। भिलाई में क्रिसमस की विशेष धूम रही, गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं हुई। बाद में लोगों ने एक दूसरे को क्रिसमस की बधाइयां दी। राजनांदगांव के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में कल से 77वीं महंत राजा सर्वेश्वर दास अखिल भारतीय हॉकी स्पर्धा का आयोजन हो रहा है। 1941 में शुरू हुई इस प्रतियोगिता में दूसरी बार महिला हॉकी टीम हिस्सा लेने वाली है। छत्तीसगढ़ हॉकी संघ के अध्यक्ष फिरोज अंसारी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में देश की कुल 22 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। इनमें महिला हॉकी की 12 टीमें शामिल हैं। 27 दिसंबर से शुरू होकर ये प्रतियोगिता 6 जनवरी तक चलेगी। इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी शामिल हो रहे हैं। इस वर्ष की प्रतियोगिता में ONGC, भारत पेट्रोलियम, पौंडुचेरी 11, हॉकी छत्तीसगढ़, साई मुंबई, हॉकी झारखंड, स्पोर्ट्स हॉस्टल लखनऊ, साई भोपाल, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, एयर इंडिया, नेवी मुंबई और मेजबान जिला हॉकी संघ राजनांदगांव की टीमें हिस्सा ले रही हैं। महिलाओं के लिए आयोजित रानी सूर्यमुखी देवी हॉकी स्पर्धा में रोटरी हॉकी एकेडमी संबलपुर ओडिशा, स्टील प्लांट स्पोर्ट्स बोर्ड नई दिल्ली, पूर्व मध्य रेलवे धनबाद, CRPF, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड जैसी टीमें शामिल होने वाली हैं। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राज्य सरकार लोहांडीगुड़ा के किसानों को वापस करेगी टाटा के लिए अधिग्रहित जमीन, राज्य मंत्रिमंडल ने लिया फैसला। ग्यारह जिलों के पुलिस अधीक्षकों का तबादला, 16 IPS अफसरों की जिम्मेदारी बदली गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कहा किसी और को दी जाए जिम्मेदारी। और प्रदेश भर के सरकारी दफ्तरों में आज मनाया जा रहा है सुशासन दिवस। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बोले, हर भूमिका में सर्वमान्य नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।